Ya Rasool Allah, Ya Rasool Allah, Ya Habib Allah, Ya Habib Allah, Ya Rasool Allah, Ya Rasool Allah, Ya Habib Allah. يا حبيب الله النبي صلوا عليه صلوات الله عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه وينال البركات كل من صلى عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه وينال البركات كل من صلى عليه النبي يا حاضرين علموا علم اليقين النبي يا पाकिस्तान के माया नाथ खतीब खतीब आज़म पाकिस्तान फख्र सालात किराम अल्लामा पीर सैयद मोहम्मद याकूब शाह साहब खतीब आज़म थाली अनारों से इस्तेबाल फरमा नारा तकबीर नारा रिसालत नारा रिसालत अल्लामा पीर सैयद मोहम्मद याकूब शाह साहब अल्हम्दुलिल्लाह نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وسيدنا وسندنا ومولانا وملجأنا ومقوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد وفرقان الحميد وللآخرة خير لك من الأولى نحمده ونصلي على رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين نهاية واجب الاحترام علماء کرام اور مشائخ عظام محفل اپنی قبولیت کے اعتبار سے اپنی مثال آپ ہے اور اس قدر بزرگان دین اور علماء کرام کی حاضری ہے جن کا بالتفصیل تعارف یو کے نامور خطیب جناب مولانا قمر الزمان اعظمی صاحب نے پہلے فرما دیا ہے ایک دو مسئلے میں آپ کے سامنے پیش کرنے کے بعد اجازت لینے والا ہوں آج کل پاکستان سے لے کر یہاں تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رسالت اور عظمت رسالت کے سلسلے میں اغیار جو تاویلات پیش کرتے ہیں اور جو مکر کے جال بچھاتے ہیں اور جو لوگوں کے اذہان کو برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ کبھی نماز کا بہانہ بناتے ہیں کہ آپ نماز پڑھا کریں کبھی کہتے ہیں آپ روزے رکھا کریں کبھی کہتے ہیں آپ حج کریں زکات دیں یہ یا رسول اللہ یہ میلاد یہ جھڑیاں اور یہ کرنے کرانے کی کیا ضرورت ہے بس آپ نماز پڑھا کریں تو میں اس سلسلے میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جناب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول کو ہوئی 40 سال عمر سی سرکار کی جو جس وقت پہلی آیت قرآن مجید کی اتری اقرا بسم ربک الذی خلق اس کے بعد 12 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سرزمین مکہ
मुसलसल कुरान मजीद उतरता रहा, लेकिन नमाज शबे मेराज को फर्ज हुई। 12 साल कुरान मजीद उतरने के बाद शबे मेराज को नमाज फर्ज हुई। मेराज पर हुजूर अलैहिस्सलाम के जाने से पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर बन चुके थे, हजरत उमर फारूक आजम बन चुके थे, हजरत बिलाल आशिके रसूल बन चुके थे। अगर नमाज से ही दीन इस्लाम की बुनियाद होती तो ये अबू बकर सिद्दीक और ये बिलाल हबशी कैसे बनते। इसमें कोई शक नहीं कि नमाज दीन का सुतून है। अस्सलातु इमामुद्दीन, नबी करीम ने फरमाया नमाज दीन का सुतून है। आपने फरमाया हर चीज की कोई ना कोई निशानी है और ईमान की निशानी नमाज है। इसमें कोई शक नहीं कि आपने फरमाया अल वुजू मिस्ताहु सलाते और अस्सलातु मिस्ताहु जन्ना, नमाज की अजमत के भी हम कायल हैं, नमाज की तकद्दुस के भी हम कायल हैं और नमाज से जो कुछ वसूल होता है उसके भी हम कायल हैं और नमाज को दीन इस्लाम का सबसे बड़ा रुकन आजम और उम्मुल अरकान हम तसव्वुर करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब नमाज फर्जी न थी और नमाज की फर्जियत से पहले जिन सहाबाए किराम ने कलमा पढ़ लिया था, ना वो उस वक्त होता कोई जवाब थी, ना उस वक्त कोई नमाज का टाइम टेबल था, ना उस वक्त तक नमाज भी शुरू हुई थी और रोजे शुरू हुए हिजरत के बाद हिजरी 2 में मदीने शरीफ जाकर ज़कात उसके बाद हुई और हज उसके बाद हुआ जबकि खैबर की फतह होने वाले साल में हिजरी 7 में जंग हज फर्ज हो रहा है, हिजरी 2 में रमजान फर्ज हो रहा है और दरमियान में ज़कात फर्ज हो रही है। कुरान उतरने के बाद 12 साल के बाद नमाज फर्ज हो रही है। तो 12 साल से पहले हजरत अबू बकर मोमन थे, हजरत उमर सहाबी थे, हजरत उस्मान सहाबी थे, हजरत अली सहाबी थे। आप मुझे बताएं कि ये इबादत से सहाबी थे या ज़ियारत से सहाबी। इसलिए नमाज रोजा रसूल करीम की अजमत के रास्ते में बतौर बहाना पेश नहीं किया जा सकता। इसलिए कि नमाजें पढ़ने वालों ने बड़े बड़े दर्जात पाए हैं, रोजे रखने वालों ने मकाम सबर की इम्तिहाद को छुआ है और ज़कातें देने वालों ने सखियों में अपने नाम दर्ज कराए हैं और उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज्जत के रस्ते में अपने माल कुर्बान किए हैं। लेकिन ये याद रखना चाहिए कि एक आदमी पाबंदी से नमाज पढ़ता है 5 वक्त लेकिन कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह तक पढ़ता है तो मदस्तूर काफिर होगा। एक आदमी 30 की बजाय 60 रोजे रखता है लेकिन कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह तक पढ़ता है तो उसे रोजे मोमन नहीं बना सकते, नमाज उसे मोमन नहीं बना सकती। एक आदमी हर साल हज करने जाता है लेकिन कलमा इल्लल्लाह तक खत्म करता है तो काबे में जाकर भी काफिर रहेगा। एक आदमी ज़कात की बजाय असल माल भी खैरात कर देता है तो फिर भी बेईमान रहेगा। साबित होता है कि नमाज अमाल का नाम है, रोजा अमल का नाम है, हज अमल का नाम है, ज़कात अमल का नाम है और इसके मोहम्मद ईमान का नाम है। लोगों को ये कहते फिरना कि रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और ये मिलाद और ये चीजें और फलां छोड़ो, इनसे क्या मिलता है, ये कैसे आपने दरमियान में ले आए, सिर्फ नमाज पढ़ा करो। हम समझते हैं कि नमाज के बगैर तकमील इस्लाम नहीं होती। हम समझते हैं कि नमाज इबादत में इतनी अजीम इबादत है कि अल्लाह ने हज फर्ज किया तो हुजूर के कदम फर्ज पड़ते, नमाज फर्ज की अल्लाह ने रोजे फर्ज किए तो रसूलुल्लाह के कदम फर्ज पड़ते, अल्लाह ने ज़कात फर्ज की तो रसूलुल्लाह के कदम फर्ज पड़ते, लेकिन जब नमाज फर्ज करनी थी तो रसूलुल्लाह के कदम अर्श पर थे। नमाज की अहमियत से भी वाकिफ है, फर्जियत से भी वाकिफ है, लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं आप जब नमाज नमाज लोगों को कहते फिरते हैं फिर कर और बच्चों को बरगलाते हैं गाड़ियों में बैठो और फलां जगह चलो और चलो हम नमाज पढ़ते हैं नमाज पढ़ाते हैं, लेकिन जब कोई दुरूद शरीफ शुरू करता है तो आपको तकलीफ होती है। आप मुझे ये बताएं कि नमाज 12
साल के बाद हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्मत पर फर्ज की गई, और रोजे 14 साल नुज़ूल कुरान के बाद फर्ज किए गए, ज़कात उसके भी बाद फर्ज की गई और हज उसके भी बाद फर्ज किया गया। तो मुझे आप ये बताएं कि जो चीजें नुज़ूल कुरान से 12, 14, 17 साल बाद फर्ज हुई, उनके लिए तो आप सर पर बिस्तर उठाए फिरते हैं और दुरूद सबसे पहले आया, क्योंकि रब ने फरमाया इन्नल्लाह मलाइकतुहु युसल्लूना अला नबी, नबी पर अल्लाह दुरूद पढ़ता है। तो नबी हजरत आमिना के बतन में भी नबी थे, फिर हजरत हलीमा की गोद में भी नबी थे, नबी सफर में भी नबी थे, हजर में भी नबी थे, और दुरूद के लिए तो 40 साल के इंतजार की कोई जरूरत नहीं थी। जो चीज पहले आई है उसके लिए आप लड़ते फिरते हैं, और जो बाद में आई है उसकी मारिफत मकर के जाल बिछाते फिरते हैं। इसलिए कौन सा सबूत है आपके पास कि आप सिर्फ नमाज रोजे के नाम पर लोगों के सीनों से इश्क मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खारिज करें? और अगर आप देखें तो सारी की सारी इबादत रसूलुल्लाह के इर्द गिर्द घूमती है। हमने कुरान मजीद पढ़ कर देखा है, हदीस शरीफ पढ़ कर देखी है, हमने करबला की नमाज की तारीफ पढ़ी है, हमने जंगे बदर की नमाज देखी है। ये नमाज सुकून इस्लाम होने के बावजूद कभी रसूलुल्लाह ने हाथ बांध कर पढ़ ली तो रब ने फरमाया फिर भी कबूल है। कभी कादियों ने हथियार हाथ में पकड़े और सिर्फ एक दफा काबे की तरफ मुंह किया और नियत कर ली, फिर लड़ाई में उनके मुंह शर्क को हो गए, गर्व को हो गए, जुनूब को हो गए, शिमाल को हो गए, तो फिर भी रब ने फरमाया कि नमाज कमली वाला तुम में शामिल है, मुझे ये भी कबूल है। और अचानक नमाज पढ़ते हुए बगलों के नीचे लोगों ने बुत दबाए हुए थे और रसूल करीम ने रफा जलैल फरमाया ताकि आज काफिर और मोमिन अलग अलग हो जाए, तो हाथ उठाए तो ये नमाज भी अल्लाह ने कबूल कर ली। नमाज रसूल के मुकाबले में नहीं, बल्कि नमाज को हमने पढ़ पढ़ कर देखा है, ये मुस्तफा की अदाओं का नाम। इसलिए ये नमाज बारहा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में बसूरत अदायगी बदलती रही है। इसकी कभी हुजूर ने हाथ उठाए हैं और कभी हाथ बांधे हैं और कभी हाथ खुले रखने की इजाजत दी है, लेकिन आज इसलिए हम बांध कर नमाज पढ़ते हैं कि मसला यह है कि जिस अमल पर रसूल करीम का इंतकाल हो वो हुजूर के बाद कोई और उम्मती बदल नहीं सकता। तो ये नमाज जो आज हम पढ़ रहे हैं ये रसूल करीम की अदाओं का नाम है, और ये नमाज जिसके बाद में आप दुरूद की मुखालफत करते हैं और मोहम्मद मुस्तफा की अजमत की मुखालफत करते हैं, इस नमाज को हमने पढ़कर सुनकर देखा है। ये शुरू में 4 रकातों फर्ज नहीं हुई, हुजूर ने मक्की जिंदगी में 2 रकातें पढ़ी है, 2 ही जोर की, 2 ही असर की, 2 ही निशा की। तो रब ने फरमाया 2 ही कबूल है, और हुजूर हिजरत करके मदीने तशरीफ ले गए तो आपने 4 शुरू कर दी, तो रब ने फरमाया 4 ही कबूल है। नमाज का इजमाल का हुक्म देने वाला खुदा है और उसकी तफसीलात तय करने वाला मुस्तफा है। इसलिए आप नमाज और रोजे के नाम पर कमली वाले के सिलसिले में बगावत हर के उम्मत रसूल में पैदा करने की कोशिश न करें। ये नमाज अपनी तमाम तरजमतों, कबूलियतों, शरास्तों, तकद्दसों और अपनी तमाम तरीफत दर्जात के बावजूद इस नमाज के आदाब भी हमने देखे हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को हुक्म दिया और खुद जब इमामत फरमाई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 वक्त की नमाज में बिलजार कुरान मजीद पढ़ा सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फिर से बदल दिया और हुजूर ने जोर और असर की नमाजों में आहिस्ता कुरान मजीद पढ़ने का हुक्म दिया। हालांकि सब उलमाए किराम, मुहक्किकीन, मुदक्किकीन, असातिज़ा और हमारे पाकिस्तान के उलमा की बजाय मंबा इलम मुफ्ती अब्दुल क्यूम साहब तशरीफ फरमा है, जो यहाँ के उलमा के भी अक्सरियत में उस्ताद है और मुहतरम है, वो भी तशरीफ फरमा है। सब जानते हैं कि पहले दौर के वक्त इमाम ऊंचा पढ़ते थे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सहाबी ऊंचा पढ़ते थे, फिर हुजूर ने इसे बदल दिया। क्यों? फरमाया कुदर तुम कहते हो अल्हम्दुलिल्लाह,
उधर काफर क्या कहते हैं, सब अल्लाह रसूल हूँ, वो अल्लाह रसूल को गाली देते हैं, इसलिए शाम को वो सो जाते हैं, इसहाक को बिल्कुल वो गर्क हो जाते हैं, और सुबह के वक्त वो जागते ही नहीं। तीन नमाजों में ऊंचा पड़ा करो और दो में ऐसा पड़ा करो ताकि तुम्हारी तरफ से ऊंचा कुरान सुनकर तौहीद की अजमतों में कोई फर्क ना आए। तो हमने ये देखा है मुस्तफा कभी नमाज को यूं अदा कर रहे हैं, कभी यूं अदा कर रहे हैं, और खुदा यही फरमा रहा है कि ऐ मेरे कमरी वाले, मेरा हुक्म था, तफसीलात तय करना तेरी जिम्मेदारी है, ऊंचा पढ़ा तो भी मंजूर है, चुप करा दे तो भी मंजूर है। इसलिए ये नमाज, ये इबादत, ये रोजे, ये हज, ये ज़कात, ये सारे प्रोग्राम हुज़ूर अलैहिस्सलाम की अदाओं का नाम है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ला मजदूहु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो इख्तियारात और वो अजमती दी है। आप हज के नाम पर बैतुल्लाह में लोगों को बरगलाते फिरते हैं कि मस्जिद नबी की नीयत मत करो। हाँ, मस्जिद नबी की नीयत करो, रौज़ा रसूल की नीयत मत करो। अरे रौज़ा रसूल में भी रसूल का नाम आता है और मस्जिद नबी में भी नबी का नाम आता है। अगर मस्जिद नबी से लोगों को रौज़ा रसूल से रोकना था तो चाहिए तो ये था, उन्हें कहते कि रायबंद वाली मस्जिद का रुख करो, क्योंकि नबी में तो नबी है, रौज़ा रसूल में भी वही रसूल है। और आप किस तरह ये बरगलाते हैं, अरे ये हज अतिमुल हज वल उमरा लिल्लाह, ये इतनी बड़ी शान है, जो अदा करे तो एक दफा इस तरह हो जाता है जिस तरह बच्चा माँ के पेट से बेगुनाह पैदा होता है। लेकिन इस हज की अजमत क्या है, इस हज की फजीलत क्या है, और रसूलुल्लाह के सामने इसकी हैसियत क्या है। नबी करीम पर जब हज फर्ज किया गया तो आपने ऐलान किया सहाबा किराम में कि आज मेरी उम्मत पर हज फर्ज कर दिया गया। एक सहाबी उपकरण की थी अफीकुल आमिन, हर साल फर्ज है, हुजूर खामोश हो गए। फिर अर्ज किया अफीकुल आमिन, हर साल फर्ज है, फिर अर्ज किया अफीकुल आमिन, तो नबी करीम ने फिर डांटा, फरमाया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत ने मुख्तसर सा वाकया था गाय का, बार बार सवाल करके किस्से को लंबा कर दिया। लौ कुल तो नाम लगाजा बस, अब हज और रिसालत का देख लो मकाम। फरमाया रब ने तो फर्ज कर दिया था, आयत में तो सिर्फ हज का नाम आया, वहां हर साल और उम्र में एक बार का तो कोई तफसील नहीं आई, लेकिन मैं अगर कह देता नाम हाँ तो हर साल फर्ज हो जाता। अब तुम देख लो, मेरा बोलना भी तुम्हारे लिए रहमत है और मेरा चुप रहना भी तुम्हारे लिए रहमत है। ये वही हज है, अगर हुजूर नाम फरमाते तो हर साल फर्ज हो जाता, लेकिन नबी करीम खामोश रहे तो जिंदगी में साहब निसाब के लिए एक बार फर्ज हुआ, और मस्तूरात शराब के तहत महरम साथ हो तो एक बार उन पर भी फर्ज हुआ। अब ये एक बार जिंदगी में फर्ज होना ये खुदा की तरफ से नहीं है, ये खामोश ये मुस्तफा की तरफ से है, ये रसूल करीम की शान है, ये नबी करीम का मकाम है। तो आप कैसे ये कह सकते हैं कि बिस्तर सर पर रख लो और हज का नाम लो और दुरूद को रोको और या रसूलल्लाह को रोको और फलां को रोको और फलां को रोको। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के सिलसिले में, हज के सिलसिले में, अब ज़कात ही के सिलसिले में आप देख लें, आप ज़कात से लेकर जितने भी कुरान मजीद में ज़कात का लफ्ज जितनी दफे भी आया है, कहीं निकाल कर बताओ कि 750 होना या 52 चांदी का जिक्र आया हो कि ये तुम्हारे लिए निसाब है, या कहीं ये जिक्र आया हो कि जानवरों पर ज़कात है या नहीं है, कुछ भी नहीं आया। तो ये रसूल करीम पर अल्लाह तआला ने छोड़ दिया, फरमाया ये कुरान मजीद मेरा इजमाल है और फरमान रिसालत इस इजमाल की तफसीलात है। तो मुस्तफा को अहकाम खुदाबंदी से अलग करके आप कैसे दिन पूरा लोगों के सामने पेश कर सकते हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही ये निसाब का सिलसिला मुअय्यन फरमाया। अब अंदाजा करें कि ज़कात का सिलसिला जब फर्ज हुआ तो आदमी सोचता था कि 1000 रुपए पर तो ज़कात है, साल के बाद नफा समेट दिया असल माल पर। लेकिन किसी आदमी के पास भैंस है, किसी के पास घोड़ा है और उसकी कीमत 35,000 है, उस पर ज़कात नहीं। किसी आदमी के पास इससे ज्यादा कीमती जानवर है एक का, उस पर भी ज़कात नहीं। तो अक्ल हैरान था कि 1000 पर ज़कात है और बाली ऐसे मवेशी पर ज़कात नहीं जिसकी इतनी 1000 कीमत है। तो ये रसूल करीम की ही तजवीज़ थी
कि जो जानवर मालिक के घर से उसका माल खाते हैं वो ज़कात से मुतफ़ा कर दिए, और जो जंगलों में चर कराते हैं बकरियां ऊंट वगैरह ऐसे खेतों में उनके लिए तय्यन कर दिया कि इतने जानवरों से इतना बछड़ा या इतना बछड़ा ये ज़कात ली जाएगी। तो ये रसूल करीम ने माल मवेशी पाकिस्तान से लेकर दुनिया तक आप चले जाए तो भैंस मालिक के घर से क्या क्या बनोला खाती है और खल खाती है, चारा खाती है, भूसा खाती है, वो सारा दिन खरीद खरीद कर थक जाता है। अगर उस पर ज़कात भी होती तो ये ज़हमत होती, माल पर ज़कात है तो ये भी रहमत मुस्तफ़ा है और मवेशी का इस्तिस्ना है तो ये भी रहमत मुस्तफ़ा है। इसलिए आप दीन के जितने अहकाम भी पेश करेंगे वो मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदाओं ही का नाम होंगे। अब रुखे रसूल करीम की शान ये है कि दुनिया भर में किसी आदमी के सामने आप कहते हैं कि मैं कुरान पढ़ रहा हूँ, ये सबसे बड़ा इनके पास में घोषणा ये है कि ये तो भी नाते पढ़ते हैं, हम कुरान पढ़ते हैं, हम कुरान मजीद पढ़ने वाले, एहतराम करने वाले, बल्कि हम कुरान मजीद को बोसा देते हैं और ये बोसे तो इसके खिलाफ है। अगर बोसा दें तो घर में शायद किसी को देते होंगे, कुरान या रसूल की जात को बोसा नहीं देते। सवाल ही पैदा नहीं होता, हम तो ताकीद कुरान करने वाले हैं, रसूल करीम के नाम पर भी अंगूठों को बोसा देते हैं। लेकिन ये इनको याद रखना चाहिए कि कलामुल्लाह अपनी तमाम तरंगतों के बावजूद और बैतुल्लाह हुजूर काबतुल्लाह अल्लाह का घर है वो अपनी तमाम अजमतों के बावजूद बार बार भी आदमी जाए एक दफा, दस दफा, पचास दफा, हजार दफा हाजी साहब हो जाएगा, अलहाज हो जाएगा, सुम्मा अलहाज हो जाएगा, हाजी हो जाएगा, और फिर कुरान मजीद सुबह शाम कोई पढ़े तो हाफिज साहब हो जाएंगे, कारी साहब हो जाएंगे, और नमाज कोई आदमी अगर पढ़े तो वो जनाब मुत्तकी और परहेजगार बन जाएगा, वली होगा, कुतुब होगा, गौस होगा, मुजद्दद होगा, और जनाब बड़ी उसे दर्जे मिलेंगे। लेकिन ये इबादात से मना भी मिलेंगे, सहाबी कोई ना हो सकेगा। साबित होता है कि जहां तक इबादत पहुंचाती है उससे बढ़कर ज़ियारत मकाम देती है, क्योंकि सहाबी वो नहीं होता जो रसूल करीम का चेहरा न देखे। सहाबी के लिए शर्त ये है कि वो रसूल करीम की ज़ियारत करे। अब आप देखें कि हमारे मुजद्दद आज़म हज़रत अज़ीमुल बरकत रज़ी अल्लाह तआला भी नमाज पढ़ते थे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक भी नमाज पढ़ते थे, और जनाब मुजद्दद अफ़सानी भी नमाज पढ़ते थे, हज़रत उमर भी नमाज पढ़ते थे, और गौसे आज़म भी नमाज पढ़ते थे, और जनाब हज़रत उस्मान भी नमाज पढ़ते थे। नमाजों से अगर आदमी के दर्जात बुलंद होते और फकत रोजों से बुलंद होते, अमालो इबादत से बुलंद होते तो कोई मुजद्दद हौसियत से आगे भी निकलता, लेकिन वहीं सब स्टक हो गए, ब्रेकें लग गई, सवाल ही पैदा नहीं होता इससे आगे कुछ जा सके। तो साबित होता है कि उम्र भर की इबादत उस मकाम तक नहीं पहुंचा सकती जहां तक रुखे मुस्तफा की एक दफा की ज़ियारत पहुंचा सके। तो जनाबे रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ही अजमत है और ये शान है और ये मकाम है सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का। इसलिए इस फितनों के दौर में आपको ये लोग मिलते हैं और ये बड़े बहाने इस किस्म के बनाते हैं, कभी नमाज के, कभी रोजे के, कभी हज के, कभी ज़कात के, कभी पेशानी पर मेराज के, मेराज के, और कभी बिस्तर के, कभी लोटे के, कभी सोटे के, कभी आशे के, कई चीजें बनाते फिरते सुनाते हैं, लेकिन रसूल करीम के जिक्र से रोकते हैं। या रसूल अल्लाह मेरे को कहे तो उन्हें बेहद तकलीफ होती है। मैं समझता हूँ अगर रसूल महबूब हो तो महबूब के जिक्र से सुकून मिलता है, नफरत नहीं मिलती। अगर उनके दिलों में इसके रसूल हो तो या रसूल अल्लाह कहने वाले के हाथ चूमे न कि उसके सामने लाठी में लेकर खड़े हो जाए। तो ये उन लोगों का वो खुद से बातिन समझे, बुगत समझे, और मकाम मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वरक आखिरतु खैरुल लक मिन अलूला या इन्ना आतैना कल कौसर या कुरान मजीद सारे का सारा, जैसा कि आदमी साहब फरमा रहे थे ये नाते मुस्तफा है। अगर आप निजाम देखें तो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कभी इल्म पर झगड़ा करेंगे, कभी फलां जगह पर हुजूर ने फरमाया मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जो मेरी कब्र की ज़ियारत करेगा मैं उसकी शफात करूंगा। अब आपने ये हदीस मुझसे सुन ली, उलमाए किराम से बारहा सुनी और सुनते रहेंगे। अब आपका तो ख्याल ये होगा
कि हुजूर सफात करेंगे बरोजे माशर, इसलिए अगर रोजे पर न भी जा सके तो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पूछेंगे कि क्या तुम मेरे रोजे पर गए हो, तो हम कह देंगे हाँ हम भी गए थे, ताकि जो जाएगा उसकी शफात होगी। तो फिर तो हुजूर तखस्सुस व तायुन शफात के लिए नहीं कर सकेंगे, इसलिए नबी करीम ने अगर ये फरमाया है कि मैं ज़ियारत करने वाले की शफात करूंगा, तो साबित होता है हुजूर आने वाले को जानते भी है पहचानते भी है। अगर ना हर कोई मैसेज को बक बक शुरू कर देता कि मैं भी गया था, मैं भी गया था, जो जाने के कायल ही नहीं, मैं भी गया था, तो रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अजमत और रिफत यह है कि जनाबे सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की वाला सिफात पर ही कब्र में हिसाबो किताब का मसला भी खत्म होगा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर कब्र में तशरीफ लाते हैं, उसी वक्त आदमी ओल्डन में फौत हो रहा है, उसी वक्त बोल्टन में फौत हो रहा है, उसी वक्त लाहौर में, कराची में, और उसी वक्त निशापुर में, और उसी वक्त जनाब जापान में, उसी वक्त ईरान में, इतनी दुनिया फौत होती है और उन्हें दफन किया जाता है, तो हुजूर हर कब्र में मौजूद होते हैं। हम उनसे ये पूछते हैं अगर मुस्तफा की हाजिरी के सिलसिले में आलम बरज़ख में उन पर कोई पाबंदी नहीं है, तो आलम ज़ाहिर में हाजिर होने पर आप किस दलील से एतराज कर सकते हैं? जब वहां ज्यादा मुश्किलात है, वहां हुजूर जेरे जमीन हर कब्र में तशरीफ लाते हैं, तो आलम साहिब में हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और फिर इतने बेइल्म होते हैं बाद दफा कि मैंने एक तकरीर सुनी, कह रहे थे हुजूर हाजिर नहीं है, तो मैं क्या जनाब का जमीन भी इतना गैर हाजिर है कि जिसका नाम हुजूर हो वो भी कभी गैर हाजिर हुआ करता है? इसलिए तकरीर करने के सिलसिले में इस तरह इस कदर पैकरे हिमाचत भी बन जाया करते हैं। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि इबादत आमाल के सिलसिले में शनाख्त इस्लाम है, अलामत ईमान है और मुसलमान की जान है, लेकिन ईमान की जान रसूल करीम का जिक्र फिक्र है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो जिसने नबी करीम को जिक्र का ज्यादा से ज्यादा जिक्र किया, हुजूर को ज्यादा से ज्यादा याद किया, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को आसान और आराम और मुश्किल वक्त में तैबा की तरफ रुक करके याद किया, वो बड़ा खुशकिस्मत आदमी है। इसीलिए एक नात लिखने वाले ने लिखा है फजले रब्बुल ओला और क्या चाहिए, फजले रब्बुल ओला और क्या माशाल्लाह, फजले रब्बुल ओला और क्या चाहिए, फजले रब्बुल ओला और क्या चाहिए। ये सुनियो तो अल मुबारक होवे, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। ये बातें बुजुर्गों ने सबके असी खून के आंसू तो लगते जल्दले तक कड़क तक हाजी रवि पढ़ते रहने, हम मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। मैं सुनने से पूरे जोबन पे है तस्कीन रूह तो पता लगता है कि हुजूर मौजूद ने महफिल दे और जिस मीज पर मैं अपनी गैर हाजरी खुशकूल आके हाजरी ना लगवाने वाला गैर हाजिर रहने वाला वो भी बदतर होता है। आओ हाजरी हो जाए फजले रब्बुल्ला और क्या चाहिए, फजले रब्बुल्ला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए, मिल गए मिलने आए। यहाँ ओल्डम नहीं, जहां मैं रहता हूं, जहां मैं सफर करता हूं, मुझे मिले, कहने लगे खत्मे नबूवत कॉन्फ्रेंस में चले। मैंने उनसे कहा कि मैं नहीं जाता, इसलिए कि खत्मे नबूवत के सिलसिले में सबसे कमजोर इबारात का आगाज आपके बुजुर्गों ने किया था, इसलिए हम तो खत्मे नबूवत के कायल हैं,
तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अबू सलमा कज़्ज़ाब को कत्ल करके जिससे हतम नबूवत का इकरार किया, ऐलान किया, तो वो कहने लगे इसमें तो बड़ा बैरूनी ममालिक से सरमाया आता है, माल मिलता है, पेट्रोल मिलते हैं, डॉलर मिलते हैं, सिक्के मिलते हैं, पैसे मिलते हैं, आप इसमें अगर हिस्सेदार बन जाए बरेलवी जमात की तरफ से तो अकेले ही होंगे, आपको बहुत कुछ मिलेगा। मैंने कहा उसको जहन्नुम में डालो, हमें तो यही काफी है, मिल गए। Yeah.
رسول کریم نے جناب فلال نے رسول کریم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنت میں سب سے پہلے کون جائے؟ آپ نے فرمایا تم جاؤ. عرض کی میں تو غلام اور حبشی اور تحلیل تعلیم سے محروم ہوں. حضور نے فرمایا میں تم ہی جاؤ گے. عرض کی یا رسول اللہ میرا مقصد تو یہ تھا کہ خلقت میں آدم پہلے ہے, پھر حضرت نوح ہے, حضرت شیش ہے, تسلسل ہے پیغمبروں کا, اور آپ سب سے بعد میں آئے ہیں. کیا محشر کو اٹھنے کے دن بھی یہی منظر ہوگا تو یا آپ سب سے پہلے اٹھیں گے؟ نبی کریم نے فرمایا سب سے پہلے میں ہی اٹھوں گا, لیکن جنت میں پہلے سب سے تم جاؤ گے. عرض کی یا رسول اللہ میرے پاس وہ کیا خاصا ہے؟ سرکار نے فرمایا تم نے میرے نام کے لیے بڑی حدیثیں برداشت کی ہیں. کسی نے تمہیں پتھر نماز نہ پڑھنے کے لیے نہیں مارا بلکہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے لیے مارا ہے. کوئی تمہارے سر پر آگ ڈالنے کے لیے اس لیے نہیں آیا کہ تم نے روزہ نہیں رکھا بلکہ تم نے گرد مصطفیٰ کیا تو وہ آگ ڈالنے کے لیے آ گئے, وہ تیر ٹھوکنے کے لیے آ گئے, وہ زبان کم کرنے کے لیے آ گئے. تو میں نے تمہیں یہ مرتبہ بخشا ہے کہ میں برات پر سوار ہو کر جنت میں جاؤں گا اور اس کی لگامیں تیرے ہاتھ میں پکڑاؤں گا. لگاموں والا دروازے سے پہلے گزرتا ہے, سواری والا بعد میں پکڑتا ہے. تو حضرت بلال نے اپنی قسمت پر ناز کرتے ہوئے یہ فرمایا ہم مل جائیں گے. کبھی وہ ہندوستان کے جمیل علماء ہند کی صورت میں وزیر بنے ہیں, کبھی وہ سفیر بنے ہیں, اور کبھی وہ امیر کبیر بنے ہیں. تمہیں اللہ حضرت کا دامن پکڑ کر کے کیا ملا ہے تو ہم کہتے ہیں مل گئے ہیں. دامنِ مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہو ان کو روز جزا اور کیا چاہیے, ان کو روز جزا اور کیا چاہیے, ان کو روز جزا اور کیا چاہیے. ارے کملی والے کا نام تو اتنا روشن ہے, اتنا مقدس منور ہے, اور اتنا پاک اور پاکتر ہے کہ میں یہاں مسافر ہوں, کوئی عزیز و اقارب نہیں. چلو عقیدت مند, ارادت مند, ماننے والے لوگ موجود ہیں, لیکن جب بھی کہیں جانا ہوتا ہے لڑائی ہو جاتی ہے. کوئی یہ قرض کرتا میری گاڑی پر, میری گاڑی پر, آج میں لے جاؤں گا, کل میں لے جاؤں گا. میں حیران ہوتا ہوں, نہ میں یہاں سفیر ہوں, نہ میں کونسلیٹ ہوں, نہ میں کونسلر ہوں, نہ میں گورنمنٹ پاکستان کا ملازم ہوں, نہ ان کا میں سیاسی ایجنٹ ہوں, نہ میرا کوئی اس قسم کا کوئی تعلق ہے. یہ سلسلہ, یہ محبت کا, یہ مربت کا, یہ عقیدت کا, یہ ارادت کا, یہ سارا کسی ہے. تو سمجھ میں بعد میں یہ آتا ہے کہ ہے سکندر سنا خان شاہ امم, عزت و مرتبہ اور کیا چاہیے, عزت و مرتبہ اور کیا چاہیے, عزت و مرتبہ اور کیا چاہیے, عزت و مرتبہ. لاکھ نمازیں پڑھنے والے خوش, جس نماز میں درود کی محبت نہ ہو, جس نماز میں السلام علیکم ایوہ النبیوں میں پڑھتے ہوئے تصور سکار موجود نہ ہو, وہ نماز مردود ہے. اور وہ ایوہ النبیوں پڑھے اور اس کی نظر سب کی طرف ہو اور قلم مدینے کی طرف ہو, وہ نماز مقبول ہے. کیونکہ فرشتے بھی آ کر کہتے ہیں مل گئے مصطفیٰ. علماء کرام, اساتذہ علماء کرام کی موجود ہے. مولانا قاری خادم حسین صاحب نے بار بار تاکید فرمائی تو میری خوشی ہے
कि यहाँ इस मस्जिद कवेसी और मुतवस्सिलीन और नवाजियों के साथ मेरे इस किस्म के ताल्लुकात हैं कि वो मेरे हमजिला भी हैं, हम मशरब भी हैं, हम मसलक भी हैं, हम मजहब भी हैं। इसलिए मेरी हाजिरी कारी खातम हुसैन साहब की तजवीज पर हो गई। अब मैं जल्दी में अगर आप पाकिस्तान 14 नवंबर को, ये क्या जा रहा है, 14 सितंबर को जा रहा हूँ, इसलिए मसरूफ ज्यादा हूँ, कहीं खाना है, कहीं आना है, कहीं जाना है, इसलिए मैंने उनसे अर्ज की थी कि मैं इजाजत लेने के सिलसिले में जल्दी नहीं हूँ। अल्लाह मेरी और आपकी हाजिरी कबूल फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन। तारक गिफ्ट सेंटर ब्रैडफोर्ड की एक वाहिद शॉप जहां से आपको नाते कवालियां और उल्मा की तकारीर पर पुरानी से पुरानी और नई से नई ऑडियो कैसेट, वीडियो कैसेट, ऑडियो सीडी, डीवीडी हर वक्त मिल सकती है। लाइव नातों की और तकारीर की महफिलों की रिकॉर्डिंग आपको मिल सकती है। इसके अलावा अतर, टोपियां, जुब्बे, जलबाब और इस्लामी इस्तेमाल की मतलब अशिया सस्ते दामों मिल सकती है। नाम याद रखे, तारक गिफ्ट सेंटर, 12 कॉलर रोड, ब्रैडफोर्ड 8, टेलीफोन 01274 77572, मोबाइल 07931587694। तारिक गिफ्ट सेंटर, योर वन स्टॉप इस्लामिक शॉप, 12 कॉलर रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8AD, टेलीफोन 01274 77572 1, एंड मोबाइल 07931587694, एंड आवर वेबसाइट www.tarikgiftcenter.com। Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin।